अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 18.2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था 18.1 पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करवा दिया था। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पढ़ने की कोशिश करेंगे और बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ये क्वेश्चन एक तरह से व्हाट प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हर क्वेश्चन एक दूसरे से मिलता जुलता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आपने क्या लिखना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा और सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल पढ़ना होगा। सवाल में क्या लिखा हुआ है, इफ यू, ये बेटा जो अल्फा डला हुआ होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, इससे पहले मेरे लेक्चर्स को भी मैंने बताया था किस तरह से करना। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है ना, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर शो हुआ होगा आपको, आपने जस्ट जाके मैसेज करना होगा, अपना नाम अपना क्लास लिखना होगा, तो आप क्या हो जाएंगे, आप मेरे ग्रुप में आकर के ऐड हो जाओगे, लिंक शो होगी, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। ठीक है, तो हमारे पे सवाल क्या लिखा हुआ है, इफ यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट वी। क्या लिखा हुआ है, एक यू है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अल्फा का निशान होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, मतलब अगर यू बढ़ाओगे तो वी भी बढ़ेगा, जो कि बराबर बेटा किसके, क्यूब रूट ऑफ वी के। एक कंडीशन हमें ये दी हुई, तो आपने क्या लिखना होगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन, टू दी गिवन कंडीशन लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दी हुई हमारे पास, हमें दिया हुआ है कि यू क्या है बेटा, यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अंडर रूट वी, क्यूब रूट ऑफ वी के। ठीक है, इसको क्यूब रूट ऑफ वी पढ़ेंगे हम लोग। अब याद रखना, जब भी हमें अल्फा का निशान हटाना होता है तो हमें कोई कांस्टेंट टर्म लिखना होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, तो हम लोग क्या लगा देंगे, के लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि बेटा के क्या है मेरे पास, वेरिएशन कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है, वेरिएशन कांस्टेंट, इसकी कोई वैल्यू होगी जो कि अभी हमें फाइंड आउट करना होगा, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दोगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखा, जो कंडीशन दी हुई थी उसको लिखा, और उसके लिखने के बाद आपने कांस्टेंट टर्म को, अल्फा को हटा के कांस्टेंट टर्म लगा दिया, और कांस्टेंट का नाम क्या लिख दिया बेटा, वेरिएशन कांस्टेंट। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमें बेटा किसकी वैल्यू निकालनी होगी, इसमें के की वैल्यू निकालनी होगी, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। तो बेटा के की वैल्यू निकालते हैं जल्दी से, तो सबसे पहले देखो यू की वैल्यू, जब ये कंडीशन के साथ यू की वैल्यू क्या दी हुई बेटा, 4 दी हुई है, तो मैंने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, जबकि के की वैल्यू हमें नहीं मालूम, हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और बेटा वी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 64 है। ठीक है, तो हम क्यूब रूट लिखेंगे और क्या लिख देंगे बेटा, 64 लिख देंगे। ठीक है, अब बेटा हमें मालूम है कि 4 को हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, के वैसे ही रहेगा। बेटा जब भी हम लोग क्यूब रूट निकालना होता है ना 64 का, बड़े एलसीएम लोगे, 64 का एलसीएम लेने के बाद क्या करोगे, उसका 3-3 का पेयर निकालोगे, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, इसका 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि 6 दफा 2 की पावर हमारे पास जब कितनी होती है, हमारे पास जैसे इसको निकालोगे ना, 64 को निकाल के दिखा देता हूँ आपको, अगर आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, बोल लो ये 4 कैसे आ गया, ये बता देता हूँ आपको मैं, क्यूब रूट या तो कैलकुलेटर में भी लिखकर निकाल सकता हूँ डायरेक्ट क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 64 को, या फिर एलसीएम लेके दिखा देता हूँ आपको मैं, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4। ठीक है, 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4, और क्या हो जाएगा, 2 1 2, मतलब 2 की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो बेटा हम क्या करते हैं, क्यूब रूट में इसका पेयर बनाते हैं और इसका पेयर बनाते हैं, और इसको क्या कर देते हैं, इसको रूट से बाहर निकाल देते हैं। किससे बाहर निकाल देते हैं, रूट से बाहर, तो 2 × 2 किसके बराबर होता है बेटा, 4 के बराबर होता है, हमें पेयर बनाना होता है। ठीक है, जब स्क्वायर रूट होता है तो हम लोग 2-2 का पेयर बनाते हैं और स्क्वायर से बाहर, रूट से बाहर निकालते हैं, और जब क्यूब रूट होता है तो हम लोग 3-3 का बनाते हैं। तो मेरे पास बेटा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4/4 हो जाएगा, और के यहीं पर आ जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होता है नीचे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से 4 कट रहा है मेरे पास, और मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास इसके बाद आ गया के की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास 1 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास के की वैल्यू जब 1 आ चुकी है, तो इसके बाद याद रखना हमारे पास जो गिवन कंडीशन होगी ना, मतलब इक्वेशन नंबर जो 1 होगा हमारे पास, ठीक है, 1 होगा, उसमें के की वैल्यू पुट करके उस क्या कर लेंगे, अपना आंसर लेकर आएंगे कि हमारे पास इक्वेशन कौन सी बन रही है। तो लिखोगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ, क्या लिखोगे, दी वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, किसमें पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में। मैं अपना कैमरा को नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको भी सही से नजर आ सके। ठीक है, तो मैंने इसको नीचे कर लिया है, अब लिख देता हूँ मैं बेटा हमारे पास क्या है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी बेटा, यू थी, यू लिखा, उसके बाद क्या था मेरे पास, उसके बाद बेटा के लिखा था, के की जगह क्या आ गया, 1 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, उसको हमने लेकर आए, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ऐसे करके लिख देना। ठीक है, हमारे पास 1 आ गया k की जगह, और k के बाद क्या लिखा हुआ था, 3/√64, मतलब क्यूब रूट ऑफ 64। ठीक है, ये यही था ना हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ, सॉरी क्यूब रूट नहीं है इसमें, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये वाला इक्वेशन थी ना, तो क्यूब रूट ऑफ v हो गया। ठीक है, हमने क्यूब रूट ऑफ v लिख दिया, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास यही थी ना,
तो इसको देखते हुए लिखा है। देखिए यू को लिख दिया, k की जगह 1 पुट कर दिया, क्यूब रूट। जब भी 1 किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास सेम टू सेम वही चीज आ जाता है। तो मेरे पास कौन सी इक्वेशन बनकर आ गई, ये देखो u था, मैंने इसको u को वैसे ही लिखा, क्या हो जाएगा बेटा 3 अंडर रूट v। ठीक है, अब हमारे पास ये एक नई इक्वेशन बनकर आई है जो कि इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। देखो बहुत पुराने सवाल की तरह सॉल्व हो रहा है, कोई दूसरा चीज सॉल्व नहीं हो रहा। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप पिछली वाली वीडियो देख सकते हो, वो भी और आसानी से हो जाएगा। दोबारा से u, हम लोग दोबारा वैल्यू ऑफ u निकाल लें, व्हेन v किसके बराबर है 216 के, और यहां पे लिख देना व्हेन v बराबर है किसके 64 के। तो ये लिखोगे, डिफरेंशिएट कर पाएंगे ना तो दोनों वैल्यू क्या हमारे पास निकली है। तो आप लोग क्या लिखोगे, लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू, लिखोगे वैल्यू ऑफ v किसके बराबर है बेटा 216 के इन इक्वेशन, किसमें 2 में पुट करना है। इक्वेशन 2 बिकम आ गया, इक्वेशन नंबर 2 में क्या है बेटा, यू लिखा वैसे ही, 3 लिखा, अंडर रूट वी की जगह क्या आ गया बेटा 216। जब हम लोग क्यूब रूट ऑफ 216 निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है बेटा 6 आ जाता है। जब हमने क्या था तमाम चीजों को रब कर दिया था ताकि इसको सही से लिख सकूं, तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में क्या आ रहा है बेटा, वही इक्वेशन होगा। अब क्या करना है, हमें v की वैल्यू निकालना है जब u किसके बराबर हो जाए बेटा 5 के बराबर हो जाए। तो हमें मालूम है कंडीशन क्या थी, आप लिखोगे पुटिंग दी वैल्यू, क्या लिखोगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर, किसमें पुट करना है बेटा 2 के अंदर पुट करना है। हमें मालूम है इक्वेशन नंबर 2 क्या थी बेटा, इक्वेशन नंबर 2 हमें मालूम है कि हमारे पास क्या था, हमारे पास आया था बेटा u बराबर है किसके, क्यूब रूट ऑफ v के थे। अब इसमें बेटा u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू 5 है, तो क्या पुट कर दूंगा 5 पुट कर दूंगा, और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ v है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा v की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उस सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लास्ट में, तो मैंने उसको रब करने के बाद ऐसे लिख दिया कि आखिरी में क्या होगा वैल्यू ऑफ वी व्हेन यू बराबर है 5 के। ठीक है, तो आज कैसे निकालते हैं, बहुत आसान तरीका है बेटा, हमें कभी भी क्यूब रूट को हटाना होता है, जैसे स्क्वायर रूट लगा होता है किसी को पर, ठीक है, कभी स्क्वायर रूट लगा हुआ होता है तो उसको हटाना होता है, हम लोग क्या लगाते हैं स्क्वायरिंग लगा देते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर क्यूब रूट लगा हुआ है अगर उसको हटाना है तो हम लोग क्या कर देंगे बेटा, क्यूब रूट लगा देंगे, क्योंकि हमें बी की वैल्यू चाहिए, हमें क्यूब रूट की वैल्यू नहीं चाहिए। तो क्या करोगे बेटा, लिखोगे इसके नीचे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्या लिखोगे क्यूब ऑन बोथ साइड, तो बेटा किस तरह से हो जाएगा 5 के ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, और रूट 3 क्यूब, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा क्यूब आ जाएगा, इस क्यूब से ये क्यूब कट गया, और हमारे पास बेटा 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है, और v हो जाता है, मतलब मेरे पास v की वैल्यू क्या आ गई बेटा 125। हमने दोनों सवाल को सॉल्व कर लिया, दोनों तरीके से सॉल्व कर लिया, एक दफा u की वैल्यू निकाल के दिखाया और एक दफा बेटा v की वैल्यू निकाल के दिखाया, और ये दोनों वैल्यूज निकल गए। अब तक का सबसे आसान सवाल, इस सवाल में क्या करना है, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ f वेरीज डायरेक्टली s m q, तो वही चीज लिखा हुआ है जो चीज हम हमेशा करते हैं, हर सवाल में एक ही काम करना है, सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन लिखने के बाद अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन लिखना है, क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है, गिवन कंडीशन में क्या बेटा f लिखा हुआ है जो डायरेक्टली है किसके बेटा m क्यूब के, तो क्या लिख दूंगा m क्यूब लिख दूंगा। इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद बेटा कॉन्स्टेंट टर्म को हटाना लगाना होगा, तो क्या लिखेंगे f लिखेंगे, इक्वल टू डालेंगे अल्फा डालेंगे तो क्या लिख देंगे k लिख देंगे, और इसके साथ क्या आ जाएगा बेटा m क्यूब आ जाएगा, जबकि ये इक्वेशन नंबर 1 होगा, और जो ये k होगा वो क्या होगा बेटा वेरिएशन कॉन्स्टेंट होगा, क्या होगा वेरिएशन कॉन्स्टेंट, तो हम लोग वही लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा, अब k की वैल्यू निकालनी होगी, तो k की वैल्यू निकालने के लिए बेटा f की वैल्यू 81 दी हुई है और m की वैल्यू 3 दी हुई है, तो f की 81 हो जाएगी, k वैसी आ जाएगा और m की वैल्यू 3 आ जाएगा, उसके बाद क्यूब लग जाएगा। ठीक है, तो 81 वैसी रहेगा, 3 का क्यूब क्या होता है बेटा, 3 का क्यूब हमारे पास 27 होता है। ठीक है, 27 होता है, क्या लिख दूंगा 27 लिख दूंगा। अब क्या होगा बेटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 81 वैसे ही रहेगा 27 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा के आ जाएगा, 3 की टेबल 9 की टेबल से कर दो, 9 3 27 हो जाता है, और 9 9 81, तो मेरे पास के की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 9/3, 3 1 3 3 3 9, तो के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। ठीक है, के की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई, तो ये हमारे पास k की वैल्यू निकल गई है। जैसे ही k की वैल्यू निकलेगी इसको हम लोग किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे, तो क्या लिखोगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ k, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ k, k किसके बराबर है हमारे पास 3 के बराबर है इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन बेटा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग वैसे ही लिखेंगे f लिखेंगे, f लिखने के बाद k की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और m के साथ क्या आ जाएगा बेटा क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो m क्यूब हमने वैसे ही लिख दिया।
अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है बेटा एफ की वैल्यू निकालना है व्हेन एम किसके बराबर है 5 के। यहाँ पे एक हेडिंग डाल लेना फोर वैल्यू, कौन सी वैल्यू एफ व्हेन, जो हम लोग लिखते हुए आए थे एम किसके बराबर है 5 के बराबर, ये एक तरह की हेडिंग हो गई। हेडिंग डालने के बाद क्या करोगे, बहुत सिंपल सी बात, लिखोगे पुटिंग, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना मत भूलना, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू, कौन सी वैल्यू एम बराबर है किसके बेटा 5 के इन इक्वेशन। अब कौन सी इक्वेशन में पुट करते हैं हम लोग, 2 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारे पास वो देख लेते हैं क्या इक्वेशन नंबर 2, एफ हमने वैसे ही लिखा, 3 वैसे ही लिखा, एम की जगह क्या जाएगा बेटा 5 आ जाएगा, उसके ऊपर क्यूब लग जाएगा। तो हमें मालूम है कि 5 का क्यूब किसके बराबर होता है 125 के बराबर होता है, और जब एफ को हम 3 को हम 125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे 375 आता है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये आंसर हो जाएगा। देखो बाकी सबसे आसान ही था क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू को फाइंड आउट करनी थी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें और कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है, इफ वाई इज वेयर इज द इनवर्सली एस एक्स, इनवर्सली का मतलब बताऊं क्या होता है, अगर हम वाई की वैल्यू बढ़ाएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी कम होगी, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इनवर्सली। और इसको डोनेट करने का तरीका ही बताऊंगा, सबसे पहले आपने लिखना होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास कंडीशन दी हुई बेटा वाई किससे बिलोंग कर रहा है, एक्स से बिलोंग कर रहा है, क्या कर रहा है इनवर्सली कर रहा है। तो हम लोग वाई लिखेंगे, ठीक है, ये अल्फा वाला निशान डालेंगे, लेकिन इनवर्सली क्या होता है, हमारे पास क्या हो जाएगा वाई अपॉन वन अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है, हम जो भी टर्म होती है ना उसको अपॉन में लिख देते हैं, ठीक है, उसको वन से डिवाइड कर देते हैं अगर हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये हमें पढ़ा भी होगा वाई इनवर्सली प्रोपोर्शन टू, इनवर्सली का मतलब भी क्या है वन अपॉन एक्स हो गया, मतलब जो भी टर्म लिखी हुई है ना उसको अपॉन में लिख दो तो वो क्या हो जाए इनवर्सली हो जाए। जाहिर सी बात है अगर वाई की वैल्यू हमारे पास कुछ भी ज्यादा होगी तो एक्स की वैल्यू डेफिनेटली क्या हो जाएगी हमारे पास कम हो जाएगी। तो चलो और इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या लिखोगे हमारे पास लिखेंगे, हमें कॉन्स्टेंट टर्म लगाना है, तो क्या लिखोगे भाई जो करते हुए आ रहे हैं हम लोग, हमने अल्फा का निशान हटाया तो क्या लगा दिया के लगा दिया जो कि वन अपॉन एक्स के बराबर हो गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा के की वैल्यू निकालनी है, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई बराबर है के वन जा के और नीचे क्या हो गया एक्स, ये इसके साथ डिवाइड हो रहा वहां जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा जो कि बराबर होगा के। तो वाई और एक्स की वैल्यू देख लो, वाई की वैल्यू मेरे पास टेन है तो मैं क्या लिख दूंगा टेन लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू क्या बेटा 3 है तो के की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी, तो टेन 3 से कितना होता है बेटा 30 होता है, तो के की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 30 आ गया, जो कि मुझे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना होगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या होगा ये वाला होगा, ठीक है, इसमें पुट करके देख लेते हैं के की वैल्यू, तो देखिए इसमें पुट कर लेना ज्यादा बेहतर है ना, क्योंकि ये पहले ही वाला इक्वेशन हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे रहे थे, ठीक है, तो लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ के, क्या पुटिंग द वैल्यू ऑफ के किसके बराबर है बेटा 30 के इन इक्वेशन किसमें 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 आपको अभी दिखा देता हूं, इसको थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूं ताकि आपको तमाम एलिमेंट्स नजर आए जो मैं लिख रहा हूं। तो क्या हो जाएगा बेटा वाई वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक है, इक्वल टू का निशान वैसे ही हुआ, के की जगह क्या आ जाएगा बेटा 30 आ जाएगा और 1 अपॉन एक्स वैसे ही उतर जाएगा, ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 अपॉन एक्स, चाहे तो इसमें पुट करो चाहे तो इससे पुट करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या हो गया बेटा 2 हो गया, इस दफा कोई वैल्यूज के साथ हमारे पास इक्वेशन बनी है। अब क्या लिखा हुआ है, आपने फाइंड करना वाई की वैल्यू व्हेन एक्स बराबर होगा टेन के, तो बहुत आसान हमें आता है करना, हम क्या लिखेंगे फोर वैल्यू, क्या लिखोगे फोर वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स किसके बराबर है टेन के, एक्स बराबर है टेन के तो हम वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, बहुत अच्छे से निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे हमने क्या करना होगा पुटिंग दी वैल्यू, वही लिखोगे जो लिखते हुए पुटिंग दी वैल्यू, कौन सी वैल्यू बेटा वैल्यू एक्स की टेन है इन इक्वेशन किसमें 2 में, क्योंकि अब हम 2 का काम करने जा रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या आ जाएगा बिकम आ जाएगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या होगा वाई वैसे ही लिखेंगे 30 वैसे ही लिखेंगे, एक्स की जगह आ जाएगा टेन आ जाएगा, टेन वन या टेन टेन की टेबल कितना पड़ोगे 30 है, टेन थ्री 30, तो मेरे पास वाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3 आ गए। तो कितना आसान सा सवाल था जिसको हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। अब इसके जो 2 सवाल आते हैं वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे सॉल्व, ये यहाँ तक हम मैंने तकरीबन आपको सवाल करवा दिए हैं क्योंकि वीडियो तवील हो रही थी, तो इस वजह कर इसका हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, इसकी तमाम प्लेलिस्ट मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल के आइकन पर क्लिक कर दो, फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में।